अगर आपने लाडली बहना योजना का फॉर्म भर दिया, अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करा दिया, साथ ही समग्र आईडी और आधार कार्ड की ई केवाईसी भी करा दी, और अब आप निश्चिंत हैं कि आपको इस शासन की योजना का लाभ मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने बैंक अकाउंट में ये गलती की होगी तो आपको इस शासन की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके पहले हम आपको एक खुशखबरी देते हैं कि लाडली बहना योजना के 50 लाख फॉर्म पूरे हो गए हैं। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके दी है। वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लगाए गए विशेष शिविर में जाकर बहनों के फॉर्म भरे, वहीं ई केवाईसी भी की। देखें उन्होंने क्या कहा। आपको बैंक में जाकर के भी अपना आधार कार्ड और मोबाइल से अपना खाता लिंक कराना है। अगर आप वो नहीं कराओगी तो आपके बैंक में पैसा खाते में नहीं आएगा। 10 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके खाते में पैसा एक क्लिक से भोपाल में डालेंगे और ये 30 अप्रैल तक निरंतर कैंप चलेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये भी बता देना चाहता हूँ, ये माननीय शिवराज सिंह जी की महिला सशक्तिकरण की योजना है। प्रत्येक लाडली बहना 23 साल से 60 साल की उम्र की बहना के खाते में 1,000 रुपए जाएगा, और पीली साड़ी वाली अगर तुम्हारी दोरानी भी है जेठानी भी है तो उसके खाते में भी जाएगा। और ये 12,000 रुपए अगर दोरानी है तो 24,000, और जेठानी है तो 36,000 रुपए, और माँ को पेंशन मिलती है 48,000। जहां तक आपके बैंक अकाउंट की बात है तो लाडली बहना योजना के नियम अनुसार आपके बैंक अकाउंट व्यक्तिगत होने चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट ज्वाइंट हुआ, यानी कि आपके पति के साथ आपका बैंक अकाउंट ज्वाइंट है, तो शासन की इस योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपने बैंक अकाउंट को आप व्यक्तिगत करें, आपका निजी बैंक अकाउंट खोलें, तभी आपको शासन की इस योजना का लाभ की राशि पहुंच पाएगी आपके बैंक अकाउंट में। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा, आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे भी लाडली बहना योजना को लेकर आपको जानकारी देते रहेंगे।